एक तरफ टीम इंडिया की हार और दूसरी तरफ संजू सैमसंग ने लगाया फांसी। तो दोस्तों आखिर क्या है खबर की पूरी जानकारी, और दोस्तों आखिर संजू सैमसंग जो कि इस तरह की हरकत कर दी है अचानक से, बताएंगे आपको पूरे खबर की जानकारी, वो भी पूरे डिटेल के माध्यम से। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बिना समय लेते हुए आइए वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों आपको बताना चाहते हैं कि टीम इंडिया जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो कि आपको बताना चाहते हैं तीसरा वनडे मैच खेला, जिसमें कि वनडे मैच में जो कि टीम इंडिया वालों ने हार हासिल किया, और दोस्तों जिसमें कि टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी जो कि काफ़ी ज़्यादा खराब प्रदर्शन में दिखे, जिसके वजह से यह मैच जो कि पहले ही वह हार चुके हैं। और दोस्तों बताना चाहते हैं कि उसमें जो कि संजू सैमसंग को नहीं खिलाया, लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहते हैं कि संजू सैमसंग से भी खराब खेलने वाले खिलाड़ी जो कि यह मैच में खेल रहे थे, और दोस्तों वह जो कि जीरो पर आउट हो चुके हैं। और दोस्तों इन्हीं सब के बीच जो कि संजू सैमसंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा, और संजू सैमसंग जो कि फांसी के फंदे पर लटकने की कोशिश किया, लेकिन इन्हीं सब के बीच उनके घर वालों ने देखा और दोस्तों उन्हें जो कि बचाया। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहते हैं कि अगर संजू सैमसंग के घर वाले जो कि सही टाइम पर नहीं देखते तो टीम इंडिया में एक बहुत ही बड़ी अनर्थ हो जाती, और दोस्तों इस तरह से संजू सैमसंग के साथ अचानक से दुर्घटना जो कि घटने वाला था, और दोस्तों टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी जो कि एकदम से शॉक हो गए हैं। और दोस्तों संजू सैमसंग जो कि हो सकता है कि अगला जब भी मैच होगा उसमें जो कि संजू सैमसंग खेल सकते हैं, और दोस्तों संजू सैमसंग को इस तरह से मैच के प्लेइंग 11 से बाहर करना, कहीं ना कहीं संजू सैमसंग एक डिप्रेशनों का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं, और दोस्तों वह इस तरह की हरकत कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे संजू सैमसंग को लेकर, आपको जो लगता है आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों संजू सैमसंग को लेकर। दोस्तों